नमस्कार, मेरा नाम नीरज है और आप दी ललन टॉप पर हैं। आज आपके लिए मैं एक क्रिकेट का दिलचस्प किस्सा लेकर आया हूं। क्रिकेट के मैदान पर गाली गुफ्तार के मौके तो अनगिनत आए हैं, स्लेजिंग का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन ऐसा होना दुर्लभ ही है कि स्लेजिंग हिंसा में बदल गई हो, मारपीट का माहौल बन गया हो। कुछ एक घटनाएं हुई हैं जिनमें से एक आपको बता रहे हैं। सबसे पहले यह घटना कब की है। साल था 1991, 29 जनवरी का दिन। भारत के डोमेस्टिक टूर्नामेंट यानी दलीप ट्रॉफी का फाइनल चल रहा था जमशेदपुर में। नॉर्थ जोन और वेस्ट जोन के बीच मैच हो रहा था। इस फाइनल के आखिरी दिन जो हुआ उसने क्रिकेट बिरादरी को शर्मसार कर दिया। एक गेंदबाज ने स्टंप उखाड़कर बैट्समैन पर हमला बोल दिया। नॉन स्ट्राइकर बीच बचाव के लिए आए तो उनको भी मारा। उस गेंदबाज का नाम था राशिद पटेल। जो बैट्समैन उनके निशाने पर थे वो थे रमण लांबा। नॉन स्ट्राइकर एंड से आकर पिटने वाले खिलाड़ी थे अजय जडेजा। तो अब ये समझते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। मैच का आखिरी दिन था और कमाल की बात यह है कि मैच में कोई करंट नहीं बचा था, ड्रॉ होना तय था। नॉर्थ जोन ने पहले बैटिंग करते हुए 729 रन बनाए, जवाब में वेस्ट जोन 561 रन तक पहुंचा। इन सब में चार दिन बीत गए। आखिरी दिन नॉर्थ जोन फिर से बैटिंग कर रही थी। अभी सिर्फ 9.5 ओवर ही हुए थे कि बवाल हो गया। तो ये बवाल किस वजह से हुआ? राशिद पटेल बॉलिंग कर रहे थे, स्ट्राइक पर रमण लांबा थे। पटेल बार बार क्रीज पर ऐसी जगह जा रहे थे जिसे डेंजर एरिया कहते हैं। रमण लांबा ने उन्हें चेताया। बहस गाली गलौच में बदल गई और देखते ही देखते राशिद पटेल आपा खो बैठे। उन्होंने एक स्टंप उखाड़ा और रमण लांबा पर हमला बोल दिया। हमला इतनी रफ्तार से हुआ कि रमण लांबा को कुछ सूझा ही नहीं। वो बस अपने बैट से वार बचाने की कोशिश करते रहे। लांबा को बचाने अजय जडेजा भाग कर पहुंचे। लांबा ने उनकी ओट में छुपने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि स्टंप की मार जडेजा पर भी पड़ गई। पटेल तलवार की तरह स्टंप हवा में चला रहे थे। ताबड़तोड़ कई बार दोनों बल्लेबाजों को झेलने पड़े। इतना ही काफी नहीं था कि जनता ने भी मारपीट में हिस्सा लेने का फैसला किया। उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। एक पत्थर विनोद कांबली को लगा और वो जख्मी हो गए। पूरे मैदान पर अफरा तफरी मच गई। मैच कैंसिल करना पड़ा। तो अब इस मामले में सजा क्या हुई? इतनी बड़ी घटना के बावजूद राशिद पटेल सस्ते में छूट गए। उन्हें सिर्फ 13 महीने के लिए बैन किया गया, जबकि यह घटना इतनी गंभीर थी कि उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की आशंका जताई जा रही थी। साथ ही रमण लांबा को भी 10 महीने का बैन झेलना पड़ा। जिस कमेटी ने यह सजा सुनाई उसमें माधवराव सिंधिया, मंसूर अली खान पटौदी और राज सिंह डूंगरपुर थे। तो एक क्रिकेट का दिलचस्प किस्सा जो खेल खेल में हिंसा में तब्दील हो गया। तो इसी तरह के बाकी दिलचस्प किस्सों के लिए आप दी ललन टॉप पर आते रहें। हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र्स हैं और अभी तक आपने हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो उसे प्लीज़ डाउनलोड करें। उस मोबाइल एप्लीकेशन में हर तरह की वीडियोज़, हर तरह की स्टोरीज सबसे पहले आपके लिए उपलब्ध रहती हैं। शुक्रिया।